हाय फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है सनी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टी सनी 01 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने मोबाइल से ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट में एग्जिट डेट यानी रिजाइन डेट कैसे अपडेट करना है। तो एग्जिट डेट आप ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट में बहुत आसानी से अपडेट कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ बातों को ध्यान में रख के एग्जिट डेट अपडेट करना होता है। अगर जो आप अपने पीएफ अकाउंट में एग्जिट डेट गलत अपडेट कर देते हो तो पीएफ हेड ऑफिस का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो के बीच बीच में इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते रहूंगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना और लास्ट तक देखना फ्रेंड। तो चलिए चलते अपने टॉपिक की तरफ। अपने पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन अपने मोबाइल से एग्जिट डेट अपडेट करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर में आपको यूनिफाइड पोर्टल की वेबसाइट ओपन कर लेना है फ्रेंड। तो वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो लिंक पे क्लिक करके सीधा वेबसाइट पे आ जाओ। तो सिंपली जो की वेबसाइट पे आ जाने के बाद जो की वेबसाइट को आपको अपने मोबाइल में जो की डेस्कटॉप साइड में ऑन कर देना है फ्रेंड। जो कि डेस्कटॉप साइड में वेबसाइट ऑन करने के लिए सिंपली आपको ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो नीचे में डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो डेस्कटॉप साइड के ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है फ्रेंड। तो डेस्कटॉप साइड पे जैसे आप टिक कर दोगे तो डेस्कटॉप साइड के ऑप्शन पे टिक करते आपके मोबाइल में जो की वेबसाइट डेस्कटॉप साइड में ऑन हो जाएगा। तो सिंपली आपको वेबसाइट को स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे जो की आपको अपने पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन लॉग इन होने के लिए सिंपली आपको अपने पीएफ अकाउंट का यूएन नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यूएन नंबर का पासवर्ड फिल कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद कैप्चर कोड देखने को मिल रहा है, तो सेम कैप्चर कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर जो आपको कैप्चर कोड समझ में नहीं आता है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो की कैप्चर कोड चेंज भी कर सकते हो फ्रेंड। तो सिंपली आपको जो की यहाँ पे सेम डिटेल्स फिल कर देना है अपने पीएफ अकाउंट का, और कैप्चर कोड भी सेम फिल कर देना है। तो डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे में जो की आपको साइनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रेंड। तो अपने पीएफ अकाउंट में जो की ऑनलाइन लॉग इन होने के लिए सिंपली आपको डिटेल्स फिल करने के बाद साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली मैं साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया फ्रेंड। जैसे आप देख सकते हो क्लिक करते हम पीएफ नंबर के पीएफ अकाउंट सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं फ्रेंड्स। लॉग इन होने के बाद ये अलर्ट आता है, तो अलर्ट को कट कर देना। उसके बाद जो कि अपने मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट करने से पहले आपको सिंपली जो कि सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेना। तो सर्विस हिस्ट्री चेक करने के लिए सिंपली आपको ऊपर में व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो सिंपली आपको व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे दूसरे नंबर पे सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दूसरे नंबर के ऑप्शन पे जो कि सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड। जैसे आप सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका सर्विस डिटेल्स आपके पीएफ अकाउंट का शो हो जाता है फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हो आपके पीएफ अकाउंट में कितना मेंबर आईडी और मेंबर आईडी में सही सही एग्जिट डेट अपडेट है या नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ज्वाइनिंग भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सही सही अपडेट है या नहीं है यहाँ पे आप शो हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे पीएफ मेंबर के पीएफ अकाउंट में जो कि 4 मेंबर आईडी शो हो रहा है फ्रेंड, जिसमें कि 1 मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट है और 3 मेंबर आईडी में एग्जिट डेट जो कि आप देख सकते हो अपडेट नहीं है फ्रेंड, नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो हमारे पीएफ मेंबर के पीएफ अकाउंट में जो कि चौथा वाला मेंबर आईडी है फ्रेंड्स, वो चौथा वाला मेंबर आईडी वर्किंग में, जो कि चौथे वाले मेंबर आईडी में जो कि काम चालू है फ्रेंड, कंट्रीब्यूशन चालू है। तो सिंपली मैं आपको जो कि सबसे फर्स्ट वाले मेंबर आईडी और ये जो तीसरे नंबर पे जो मेंबर आईडी है फ्रेंड्स, ये दोनों मेंबर आईडी में मैं आपको एग्जिट डेट अपडेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, आप जिस भी कंपनी के मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट कर रहे हो फ्रेंड्स, उस कंपनी में आपको काम छोड़े हुए 3 मंथ होना चाहिए फ्रेंड्स, जो कि आपके पीएफ अकाउंट में 3 मंथ कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपको एग्जिट डेट मिलता है। तो एग्जिट डेट अपडेट करने के लिए सिंपली आपको मैनेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। ऊपर में सिंपली आपको मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, क्लिक करते आपको सबसे लास्ट में जो की मार्क एग्जिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो सिंपली आपको मार्क एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मार्क एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जो कि आप देख सकते हो हम मार्क एग्जिट के पेज पे आ चुके हैं। तो मार्क एग्जिट के पेज पे आपको सिंपली जो कि आप देख सकते हो स्लैक एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको स्लैक एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्लैक एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करो, क्लिक करते आप देख सकते हो फ्रेंड्स आपके पीएफ अकाउंट में जितने मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट नहीं है फ्रेंड्स, वो मेंबर आईडी यहां पे शो होता है फ्रेंड्स। तो सिंपली आपको जो भी मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट करना है वो मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं पीएफ मेंबर का जो कि सबसे फर्स्ट वाला मेंबर आईडी सनराइज का मैं सिलेक्ट कर लेता हूं फ्रेंड्स। तो देख सकते हो जो कि सिलेक्ट करने के बाद यहां पे जो कि आपको लास्ट में जो कि लास्ट कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जिस महीने में आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है उस महीने का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, और जिस ईयर में हुआ है फ्रेंड्स वो ईयर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जिट डेट अपडेट करने से पहले आपको पासबुक में चेक कर लेना है फ्रेंड्स, किस महीने में आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो सिंपली आपको
पासबुक ओपन कर लेना है। उसके बाद जिस भी मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट कर रहे हो फ्रेंड्स, उस मेंबर आईडी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेंबर आईडी सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है फ्रेंड्स। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो नीचे में जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे पूरा यहाँ पे चार्ट दिया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको साल सिलेक्ट कर लेना है। आपने जिस भी साल में अपना काम छोड़ा है फ्रेंड्स, जिस साल में आपका कंट्रीब्यूशन बंद हुआ है फ्रेंड्स, उस मेंबर आईडी में सिंपली आपको वो साल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लास्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स आपका किस मंथ में किस ईयर में जो कि लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है इस मेंबर आईडी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पीएफ मेंबर का जो कि यहाँ पे भी नवंबर 2018 में जो कि एग्जिट डेट मिल रहा है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी नवंबर का दिखा रहा है। उसके बाद सिंपली आपको जो कि पासबुक में चेक करने के बाद आपको सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे आप क्लिक करोगे जो कि कैलेंडर खुल के आ जाता है। उसके बाद जो कि आप देख सकते हो नवंबर में किसी भी डेट को आप एग्जिट डेट अपडेट कर सकते हो। सिंपली आपको जिस मंथ में एग्जिट डेट मिल रहा है फ्रेंड्स, उस मंथ का कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं एक डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो कि आपको रीसिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ के ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करते जो कि फिर से कैलेंडर खुल जाता है फ्रेंड्स। तो सेम आपको यहाँ पे भी डेट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो कि आपको सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद बहुत सारे रीजन खुल के आ जाता है फ्रेंड्स। तो आपके पीएफ अकाउंट में जिस हिसाब से आप एग्जिट डेट अपडेट कर रहे हो उस हिसाब से आपको रीजन सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम हमारे पीएफ मेंबर का जो कि 2 साल के नीचे का जो कि सर्विस हम एग्जिट डेट अपडेट कर रहे हैं। अगर जो आप जिस मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट कर रहे हो उस मेंबर आईडी में 2 या 2.5 साल का सर्विस है फ्रेंड्स, तो आप शॉर्ट सर्विस का यहाँ पे रीजन दे सकते हो फ्रेंड्स। तो सिंपली मैं जो कि शॉर्ट सर्विस का रीजन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। रीजन सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में चेकबॉक्स खाली देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जो कि आपके आधार कार्ड पे ओटीपी सेंड करने के लिए परमिशन मांगा जाता है। तो आपको ये चेकबॉक्स पे टिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे जो कि आपको रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो सिंपली आपको रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अलर्ट आता है, तो सिंपली आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करके परमिशन दे देना। परमिशन देते ही जो कि आपके आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी सेंड कर दिया जाता है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड चालू हो चुका है, जो कि 30 सेकंड का यहाँ पे टाइम स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, जो कि 30 सेकंड में आपके आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। तो सिंपली आपको 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद नीचे वाले चेकबॉक्स पे टिक कर देना है फ्रेंड्स। तो सिंपली मैं जो कि आप देख सकते हो ओटीपी फिल कर दिया। उसके बाद जो कि ये चेकबॉक्स पे भी टिक कर दिया फ्रेंड्स। तो चेकबॉक्स को टिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे तो नीचे में जो कि सबमिट का ऑप्शन खुल के आ जाता है फ्रेंड्स। तो सिंपली आपको जो कि सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो कि सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते परमिशन मांगा जाता है। तो आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो कि परमिशन दे देना है। तो सिंपली मैं जो कि अपडेट वाले ऑप्शन पे देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने क्लिक कर दिया। जो कि क्लिक करते प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुका है। कुछ देर प्रोसेसिंग होने के बाद जो कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, डेट ऑफ एग्जिट अपडेट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाता है फ्रेंड, जो कि ग्रीन में यहाँ पे अलर्ट भी देखने को मिल जाता है फ्रेंड। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते आप मार्क एग्जिट के पेज पे वापस आ जाते हैं फ्रेंड। तो सिंपली आपको जो कि मार्क एग्जिट के होम पेज पे आने के बाद सिंपली आपको फिर से आपको एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट कर लेना है। जो भी मेंबर आईडी में फिर से एग्जिट डेट अपडेट करना है वो मेंबर आईडी फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पीएफ मेंबर का जो कि तीसरा वाला मेंबर आईडी आलोक इंडस्ट्री का था फ्रेंड, जिसमें कि एग्जिट डेट अपडेट करना था। तो सिंपली मैंने जो कि आप देख सकते हो आलोक इंडस्ट्री का मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लिया। तो आलोक इंडस्ट्री का मेंबर आईडी सिलेक्ट करने के बाद जो कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्री का जो कि मेंबर आईडी में ज्वाइनिंग 11 नवंबर 2019 का दिखा रहा है फ्रेंड, जो कि लास्ट कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो सितंबर 2020 में दिखा रहा है। सिंपली मैंने पासबुक ओपन कर लिया है फ्रेंड, जो कि पासबुक में मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स किस महीने में जो कि एग्जिट डेट मिल रहा है फ्रेंड, जो कि लास्ट कंट्रीब्यूशन किस मंथ में है फ्रेंड। तो सिंपली मैंने जो कि आप देख सकते हो ईयर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो कि लास्ट कंट्रीब्यूशन देख सकते हो फ्रेंड, लास्ट में दिखा रहा है। तो पासबुक पे आप देख सकते हो फ्रेंड सितंबर 2020 में लास्ट कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है फ्रेंड, जो कि सितंबर 2020 में जो कि एग्जिट डेट भी मिल रहा है। तो सही हमारा एग्जिट डेट मिल रहा है। सिंपली मैं जो कि स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं फ्रेंड। जैसे ही आप देख सकते हो क्लिक करते यहाँ पे सितंबर का कैलेंडर खुल के आ चुका है। तो सिंपली आपको सितंबर जिस भी डेट को एग्जिट डेट अपडेट करना है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, आप जिस भी मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके आगे पीछे का जो मेंबर आईडी, अगर जो आपके पीएफ अकाउंट में 1 से ज्यादा मेंबर आईडी, जिस मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट कर रहे हो उसके आगे पीछे भी मेंबर आईडी, तो जिस मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट
वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स उस एग्जिट डेट से जो कि आगे वाला मेंबर आईडी है फ्रेंड्स, उसका ज्वाइनिंग आगे होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए एग्जिट डेट से, नहीं तो आपका ओवरलैपिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे पीएफ मेंबर का जो कि तीसरे वाले मेंबर आईडी में हम एग्जिट डेट अपडेट कर रहे हैं, जो कि चौथे वाले मेंबर आईडी में ज्वाइनिंग आप देख सकते हो 6/10/2021 का जो कि ज्वाइनिंग दिखा रहा है, और हमारे पीएफ मेंबर के पीएफ अकाउंट में जो तीसरे वाले मेंबर आईडी में एग्जिट डेट आ रहा है फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हो 7/2020 में एग्जिट डेट आ रहा है। तो सिंपली आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे पीएफ मेंबर के पीएफ अकाउंट के तीसरे वाले मेंबर आईडी के एग्जिट डेट चौथे वाले मेंबर आईडी का ज्वाइनिंग डेट जो कि आगे है फ्रेंड्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जो कि सितंबर में कोई भी हम डेट सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली मैं जो कि 7 महीने का जो कि कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो कि आपको फिर से रीसिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से आपको वही डेट सिलेक्ट कर देना है फ्रेंड्स, सेम डेट यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करके जो कि रीजन सिलेक्ट कर लेना। तो इस मेंबर आईडी में भी जो कि 2 साल से नीचे का सर्विस है फ्रेंड्स, तो मैंने शॉर्ट सर्विस का यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो कि यहाँ पे चेकबॉक्स टिक करने के बाद आपको सिंपली रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते ही अलर्ट आता है फ्रेंड्स, तो सिंपली आपको जो कि यस के ऑप्शन पे क्लिक करके परमिशन दे देना है। परमिशन देते जो कि आपके आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया जाता है 6 डिजिट का, तो सिंपली आपको ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना। ओटीपी फिल कर देने के बाद सिंपली आपको ये चेकबॉक्स को टिक कर देना है। तो सिंपली जो कि चेकबॉक्स को टिक करते सबमिट का ऑप्शन खुल के आ जाता है, तो सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ये अलर्ट आता है फ्रेंड्स, तो सिंपली आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके परमिशन दे देना है। तो परमिशन देते जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जिट डेट अपडेट हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से आपको अपने मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठे एग्जिट डेट अपडेट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो जानकारी पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक में।